हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रूटर या फिर राउटर। तो राउटर इज अ इंटरनेटवर्किंग डिवाइस। ये इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है राउटर, और ये करता क्या है, जो टू डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं उसको कनेक्ट करने का वर्क करता है। जैसे देखिए, ये हमारा लैन है। मान लीजिए कि आपका एक ऑफिस नागपुर में है, आपका एक ऑफिस पुणे में है, ठीक है। अब ये जो नागपुर का जो लैन है, ये पुणे वाले लैन के साथ कनेक्ट करना है, पुणे के लैन नागपुर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ISP के थ्रू लाइन लेनी पड़ेगी, मतलब आप लीज लाइन आप लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमको राउटर नागपुर में भी कॉन्फिगर करने पड़ेंगे और पुणे वाले नेटवर्क में भी, ठीक है। अब देखिए, ये राउटर करते क्या है, तो यहाँ की जो यहाँ का जो जो भी रिक्वेस्ट जो आ रही है, यहाँ की जो ट्रैफिक है, इसको इधर में कैरी करने का वर्क करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हमारा ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बीच में भी ऐसे नंबर ऑफ राउटर्स लगे होंगे। तो ये राउटर का मेन वर्क ये है कि ये बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है और जो पैकेट्स हैं वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, ठीक है। ये जो राउटर है, ये डिवाइस लेयर 3 डिवाइस है, जो OSI लेयर्स होते हैं उसमें नेटवर्क लेयर होता है, उस लेयर पे ये डिवाइस वर्क करता है। और ये जो है, इसको हम गेटवे भी कहते हैं। गेटवे इसीलिए क्योंकि ये किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है, इसलिए इसको गेटवे कहा जाता है, ठीक है। तो जो जो राउटर्स जो होते हैं, ये राउटर्स के कुछ टाइप्स होते हैं। राउटर्स के बेसिकली दो टाइप से हैं। एक है हार्डवेयर राउटर, मतलब ये लुक में ऐसा ये दिखने को आपको दिखेगा, जिसमें कंपनियां हैं कुछ, सिस्को, जूनिपर, नॉर्टेल, मल्टीकॉम, डीलिंग एंड और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो राउटर बनाती है, ठीक है। साथ में राउटर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर राउटर भी होते हैं, मतलब इस राउटर का हम लोग प्रैक्टिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर हो गया, जैसे इसका एग्जांपल दिख रहा है आपको, GNS हो गया, ठीक है, या फिर बोसॉन हो गया। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर राउटर्स आते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस ये बनाए होते हैं। और कुछ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, लिनक्स सर्वर, हम इस इनमें हम राउटर बना भी सकते हैं, ठीक है। उसकी एक अलग प्रोसीजर होती है, हम बना सकते हैं, बट ये उतने पावरफुल नहीं होते हैं जितना ये हार्डवेयर राउटर होता है, ठीक है। तो राउटर का मेन कंसेप्ट क्या है, टू डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ना। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना के रखा, ये नागपुर का नेटवर्क है, पुणे का नेटवर्क है, मुंबई का नेटवर्क। ये नेटवर्क को इस डायग्राम के थ्रू हम दिखा रहे हैं कि ये इस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी हुई है, ठीक है। राउटर के कुछ फंक्शंस हैं। मेन फंक्शन क्या है, इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन, मतलब ये नेटवर्क अलग है, एक नेटवर्क अलग है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ये 192.168.10.1 का एक नेटवर्क दिया हमने, IP दिया है। यहाँ 192.168.20.0 का नेटवर्क है, ये 172.16.0.0 का नेटवर्क है। तो देखिए, अलग अलग नेटवर्क जिनको IP पूरे बहुत अच्छे तरीके से आता है, जिनके IP के कंसेप्ट क्लियर है, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क क्या है, ठीक है। इसके बीच में कनेक्टिविटी ये करवा के देगा, बेस पाथ सिलेक्ट करेगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको ये सिलेक्ट करके, मतलब अपने एल्गोरिदम को यूज़ करके, प्रोटोकॉल जो कॉन्फिगर किया है उसको यूज़ करके पैकेट को पहुंचा देगा, ठीक है। पैकेट को प्रॉपर स्विचिंग करेगा एंड पैकेट को फॉरवर्ड करेगा जो डिटरमाइन किया हुआ उस रास्ते के ऊपर। ये राउटर के फंक्शंस हैं, ठीक है। अगेन कैसा है ना, जो जो हार्डवेयर राउटर है उसमें भी दो कैटेगरी है। एक है फिक्स राउटर। फिक्स राउटर का मतलब क्या, कि ये जो पोर्ट्स जो लगे हुए हैं इसके ऊपर में, जैसे ये इसमें कंसोल पोर्ट है, ऑक्सिलरी पोर्ट है, लैन पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, ये पोर्ट चेंज नहीं होंगे, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज़ फिक्स राउटर। एंड मॉड्यूलर का मतलब क्या, ये जितने भी पोर्ट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, इन सबको आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ स्क्रू है, ये अगर आपने दोनों निकाल दिया तो पूरी IC वो बाहर आ जाएगी, ये निकाल दिया तो IC बाहर आ जाएगी, मतलब आप जिसको आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो उसको बोलते हैं मॉड्यूलर राउटर, ठीक है। ऐसे इसके दो कैटेगरी हैं। राउटर्स होते हैं, राउटर के ऊपर में कुछ पोर्ट्स होते हैं, तो उनका क्या यूज़ है वो हम जानते हैं। देखिए, राउटर के ऊपर में ये लैन पोर्ट होता है, ये आप देखेंगे, इथरनेट 0, फास्टनेट 0, फास्टनेट 1। तो लैन पोर्ट का मतलब क्या, जैसे आप राउटर के थ्रू स्विच को आप कनेक्ट कर सकते हो, राउटर के थ्रू आप
पीसीयू को आप कनेक्ट कर सकते हो उसके लिए लैन इंटरफेस पोर्ट दिया जाता है। जैसे देखिए मैंने प्रीवियस डायग्राम में दिखाया था, देखिए जैसे ये राउटर है एग्जांपल, यहाँ से इथरनेट पोर्ट है समझ लीजिए, लॉजिकल है ये, और ये देखिए स्विच के अंदर में गया हुआ है और स्विच से पीसी में, बट अगर स्विच को निकाल दें डायरेक्ट पीसी को भी हम अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्क होता है इस लैन इंटरफेस का, 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps में ये आता है, ठीक है, ये लैन इंटरफेस। उसके बाद में राउटर में और एक होता है इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं सीरियल पोर्ट, मतलब ये देखिए सीरियल पोर्ट, ये सीरियल पोर्ट है, दिख रहा है, देखिए ये राउटर में अलग दिख रहा सीरियल पोर्ट, ये राउटर में अलग दिख रहा सीरियल पोर्ट, क्यों? क्योंकि दो कैटेगरी के सीरियल पोर्ट होते हैं, एक 60 पिन का होता है, मतलब ये 60 पिन का है, ये 26 पिन का होता है, ये 26 पिन का है, ठीक है। और ये सीरियल इंटरफेस का हम यूज़ करते हैं मतलब लैन कनेक्टिविटी के लिए, जो ISP की तरफ से जो लाइन आएगी, जो मॉडेम आएगा, वहाँ से एक केबल आएगा, ये केबल, इसको हम बोलते हैं V.35 केबल, ठीक है। और जो मॉडेम लगा रहता है लीज लाइन, उसी को CSU DSU बोला जाता है। तो ये जो एंड होता है उस मॉडेम CSU DSU में लगता है, और दूसरा जो एंड जो होता है वो सीरियल पोर्ट के ऊपर में लगता है, ठीक है। तो इसको हम वैन पोर्ट या सीरियल पोर्ट कहते हैं, जो ये कनेक्टिविटी करने के काम में आता है मॉडेम के साथ, ठीक है। अगेन ये जो राउटर होता है ना, इसमें और एक पोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कंसोल पोर्ट, ये देखिए दिख रहा है कंसोल पोर्ट। तो कंसोल पोर्ट जो है ये डिफॉल्ट पोर्ट राउटर में जो लग के आता है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, मतलब जो राउटर जो जब आप खरीदते हो तो राउटर में कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कुछ भी नहीं, उसके जितने भी पोर्ट्स होते सारे डाउन होते हैं, कुछ IP असाइन नहीं होता, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया जाता, सब हमको मैन्युअली करना पड़ता है। तो हम कंसोल पोर्ट के थ्रू हम अटैच करेंगे, मतलब कंसोल पोर्ट पे इंसर्ट करेंगे और एक केबल आपके PC के अंदर जाएगा। जैसे देखिए एक केबल आपके PC के अंदर जाएगा और जो अपना जो राउटर है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो किस तरीके से जाएगा एग्जाम्पल में दिखाता हूं, जैसे ये देखो ये राउटर है, राउटर एक कंसोल पोर्ट है, यहाँ से निकल कर कहा गया ये PC में एक कॉम पोर्ट होता है 9 पिन का, DB9 पोर्ट भी बोलते हैं, उसके अंदर में जाता है, फिर हम हाइपर टर्मिनल पे जाते हैं और कॉन्फिगर करते हैं। वैसे ये आगे में है प्रैक्टिकल, आपको अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये जो ये है जो कंसोल जो पोर्ट है वो कनेक्टिविटी के काम में आता है, इनिशियल कॉन्फिगरेशन जब करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद में ये जो राउटर जो होता है ना, राउटर को अगर ओपन करेंगे तो उसके अंदर में कुछ और कंपोनेंट होते हैं, लाइक हमारे PC, जैसे हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होता है, ठीक है। तो उस टाइप का ये जो राउटर्स है उसके अंदर में ROM होता है, रीड ओनली मेमोरी के अंदर में बूटस्ट्रैप नाम का प्रोग्राम होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर जो होता है उसमें भी ROM होता है, जिसको हम लोग BIOS IC बोलते हैं, ठीक है, या फिर CMOS कहते हैं। तो BIOS जैसे प्रोग्राम होता है वैसा इसके अंदर में बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है, जो मिनी IOS को स्टोर रखता है, ठीक है। उसके बाद में होता है इसमें फ्लैश, मतलब क्या, एक ऐसी मेमोरी जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे अपने यहाँ पर PC में क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर में होता है OS, तो इसमें इस फ्लैश मेमोरी के अंदर में IOS होता है, IOS मतलब इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये सब और आगे में डीपली है, प्रैक्टिकली भी हम करके देखेंगे, जस्ट मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में NVRAM होता है, जैसे हार्ड डिस्क में क्या होता है, चाहे OS हो या कॉन्फ़िगरेशन हो, ये पूरा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, राउटर में वैसा नहीं होता। राउटर में ओनली IOS जो होता है वो फ्लैश मेमोरी में होता है, बट जो कॉन्फ़िगरेशन जो करते हो, जो सेटिंग करते हो, वो सेटिंग NVRAM के अंदर में जाकर परमानेंटली स्टोर होती है, ठीक है। मतलब दोनों अलग अलग जगह होता है, और RAM तो आपको बहुत अच्छे से पता है जिनका हार्डवेयर हुआ है कि RAM करता क्या है। RAM को हम टेम्प्रेरी स्टोरेज बोलते हैं, ये मेन मेमोरी भी होता है, चाहे कंप्यूटर रहे या फिर राउटर रहे, ठीक है, जो कुछ भी प्रोसेस चल रही है वो सब एग्जीक्यूट इसके थ्रू होती है, और टेम्प्रेरी इसी के अंदर में स्टोर होती है, पूरा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन RAM के अंदर में होता है, ठीक है। तो अब ये तो होगी यहाँ तक के बात कि राउटर के कौन कौन से कंपोनेंट है और उसके टाइप कौन से हैं, ठीक है। और जैसे भी आपने राउटर को कनेक्ट किया, तो राउटर कनेक्ट करने के बाद में क्या होगा, राउटर ऑन होगा। जैसे अगर हार्डवेयर में हमने पढ़ा था कि बूटिंग प्रोसेस, ठीक है, मतलब अपने सिस्टम की बूटिंग प्रोसेस कैसे होती है, कंप्यूटर कैसे ऑन होता है, तो उस टाइप का ये राउटर का भी है। तो राउटर की जैसे आप बटन ऑन करते हो तो यहाँ पर भी पोस्ट प्रोग्राम होता है। पोस्ट का मतलब क्या, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट,
कि राउटर में जितने भी कंपोनेंट लगे हैं सबको पावर मिला या नहीं मिला। तो ये जो पोस्ट प्रोग्राम है ये कौन रन करता है? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। पीसी में कौन करता है? बायस। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, और ये लोड करता है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम किसके अंदर में? रोम के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में फिर आईओएस को चेक किया जाता है, जो इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको चेक किया जाता है। कहाँ से चेक किया जाएगा? फ्लैश मेमोरी से। फ्लैश मेमोरी से चेक करने के बाद में उसको लोड किया जाएगा, ठीक है। लोड कहाँ पर किया जाएगा? लोड कहाँ पर होगा? रैम में लोड होगा, ठीक है। और जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है एनवी रैम का वो भी लिया जाएगा, लोड होगा, आपको डिस्प्ले दिखेगा आपके मॉनिटर के ऊपर में, ठीक है। मॉनिटर के ऊपर कैसे क्या होता है इसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा देता हूँ, बट अभी आप समझ लीजिए। जैसे आप बटन आप प्रेस करेंगे तो ये सारी प्रोसेस बूटिंग सीक्वेंस की ये होगी जब राउटर स्टार्ट होगा, लाइक हमारे पीसी ही राउटर बूट होता है, ठीक है। अब देखो राउटर को कनेक्ट करना है तो आप इस तरीके से कनेक्ट करोगे। ये आप केबल लोगे, कंसोल केबल, ये लगाओगे एक पीसी में लगाओगे, ठीक है। उसके बाद में एक्सेस होगा, मतलब राउटर में आप कीबोर्ड माउस मॉनिटर डायरेक्ट अटैच नहीं कर सकते, वो पीसी के थ्रू ही एक्सेस होगा वाया कंसोल केबल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखो ये देखो कंसोल केबल ये ऐसा होता है, ये 9 पिन जो पोर्ट होता है जो हमारे पीसी में यहाँ पर पीसी के पीछे में लगा रहता है, तो आप उसमें ये लगाओगे और ये कहाँ लगाओगे? ये यहाँ पर अटैच करोगे, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि जो भी चाहे सिस्को का राउटर हो या स्विचेस हो या फायरवॉल हो, उनमें कोई भी डिफॉल्ट में कोई आईपी नहीं आता, कोई भी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन उस पर नहीं होता, ये सब कुछ हमको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। तो सब मैन्युअली हम कॉन्फ़िगर करेंगे। एक बार अटैच किया अपने, करने के बाद जैसे राउटर को ऑन करते हो तो ये ऐसा विंडो दिखता है, ठीक है। ये कैसा दिखेगा? उसके लिए आपको ना हाइपर टर्मिनल नाम का एक एप्लीकेशन या पुट्टी या टेराटर्म नाम का एप्लीकेशन आपके विंडोज़ के पीसी में इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट अगर वही लिनक्स यूज़ कर रहे हैं आप, राउटर को अटैच कर रहे हो, एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको मिनीकॉम हाइपर एस ऐसी कमांड आपको टाइप करनी पड़ेंगी, उसके बाद में वो राउटर एक्सेस होगा। पर ये लिनक्स के केस पे है और ये विंडोज़ के केस पर है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका कि राउटर क्या है, राउटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, राउटर कैसे बूट होता है, राउटर के कितने टाइप के टाइप्स हैं, राउटर को हम कैसे अटैच करेंगे और किस तरीके से एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ और भी डाउट्स होते हैं इससे रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि क्लासरूम ट्रेनिंग आपको लगानी है, मतलब कोर्स लगाना है, सीखना है, या फिर आप चाहते हो ऑनलाइन आपको पढ़ना है, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।